नमस्कार, आप देख रहे हैं केन इन मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। जिस तरह से आज प्रदेश की सरकार चल रही है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन एक साथ चल रहा है और सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बीजेपी नेताओं को ऐसा लगता है कि हमें जेजेपी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों समझौता नहीं करना चाहिए, क्या कुछ ये रिपोर्ट है और क्या कुछ सर्वे हुआ है, हाल ही में ये सब चीजें निकल के सामने आई हैं, इस सब के लिए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का होगा खात्मा, आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों में नहीं होगा गठबंधन। बीजेपी के कई बड़े नेता गठबंधन के घोर विरोधी, जेजेपी से गठबंधन के खिलाफ बीजेपी में बड़ी लामबंदी, जेजेपी के साथ गठबंधन को बता रहे भारी नुकसानदायक। हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेजेपी गठबंधन के भविष्य को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन का हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दोनों पार्टियों में गठजोड़ को लेकर सबसे नई खबर यही है कि गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। गठबंधन को लेकर जहाँ जेजेपी पूरी तरह से इच्छुक बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में इसके बिल्कुल उलट माहौल है। जेजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा रखती है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता भविष्य में जेजेपी के साथ गठबंधन के सख्त खिलाफ हैं। बीजेपी के सभी बड़े जाट नेता जेजेपी के साथ गठबंधन के धुर विरोधी साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि जेजेपी के साथ गठबंधन करने से पार्टी को भारी नुकसान होगा, इसलिए जेजेपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जेजेपी के साथ गठबंधन के विरोधी नेताओं का तर्क है कि बीजेपी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई है और अपने बलबूते पर दो बार जीत हासिल कर चुकी है और तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया और वो 40 पर सिमट गई। इन नेताओं का कहना है कि जेजेपी का वोट बैंक आधे से कम हो चुका है, इसलिए उसके साथ आगामी चुनाव में गठबंधन करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी के जाट नेताओं को यह लगता है कि अगर दोनों ही पार्टियों में गठबंधन रहा तो दुष्यंत चौटाला जाट वोटरों में सबसे बड़ा रसूख रखेंगे, जो उसके लिए हितकारी नहीं है। इसलिए बीजेपी के जाट नेता बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते। अगर बीजेपी के इन जेजेपी विरोधी नेताओं की बात को हाईकमान ने सुन लिया तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का खात्मा हो जाएगा।